सुकून है, जो इत्मीनान है यहाँ के ना, वो 10 गुना बढ़ जाता है। धुंध से सब ढक चुका है, कुछ नहीं दिखेगा। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए कितनी ऊंचाई में ये जगह है, कितनी ऊंचाई में ये जगह है। ये सोचा है फिलहाल कि चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, कितनी तेज बारिश हो, हम लोगों ने यार शेल्टर माता ट्रैक एनी हाउ करना है आज। हालांकि मौसम थोड़ा सा ठीक है अभी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि घंटों के बाद ये ठीक रह पाएगा। पैकअप करने के बाद हम लोग निकलते हैं आगे और फिर दिखाते हैं आगे का। तो वी आर ऑल सेट टू गो शेल्टर माता। तैयार हो भाई? यस। तैयार हो बाबा? यस ब्रो। तैयार हो भगरी जी? सारी प्रिपरेशन करने के बाद, लगेज वगैरह अरेंज करने के बाद, लगेज वगैरह सब हमने सेफ जगह रख दिया है। आई एम नॉट श्योर कि वो पूरा सेफ होगा या नहीं होगा, वो हमने कहाँ रखा वो फिर बताऊंगा एट द वेरी एंड। जानवरों की हड्डी, ये जबड़ा है। जिस जगह पे बाघ का खतरा हो, जिस जगह पे भालू का खतरा हो, जिस जगह पे और जो जंगली जानवर होते हैं उनका खतरा हो, उस जगह पे इस तरह के जानवरों की हड्डियाँ मिलना तो बहुत बहुत कॉमन है। अब हमने जाना कहा है, मैं आपको यहाँ से थोड़ा आउटलेट दिखाने की कोशिश करता हूँ कितनी ऊंचाई में जाना है। ये देखिए इतनी ऊंचाई में कोहरा लगा हुआ है ना, हमें यहाँ पहुँचना है। उससे ऊंचा माता का मंदिर है ये, हमारे बेयर ग्रिल्स। कमल नेगी जी, वो देखिए जहाँ आपको दिख रहा है, जहाँ ये पीला वाला डंडा दिख रहा है। हाँ, ये पीले डंडे के सहारे आज हमको चलना है। जहाँ को पीला डंडा जाएगा वहीं को चलना है। सबसे खतरनाक आदमी भास्कर जी हमारे एकदम सेट हैं, युवा ट्रैकर चंदू भाई। बोलो बाबा बागनाथ की जय। बोलो बाबा बागनाथ की जय। बोलो चिल्टा मैया की जय। वाह क्या जोश और उमंग है हम सभी ट्रैकर्स में। अगर इस तरीके से खुश होते होते और कदमों को कम रोकते हुए चलेंगे, जल्दी पहुंच ही पाएंगे और अच्छा भी लगेगा। जल्दी पहुंचने की जो खुशी है ना, वो थोड़ा सा अलग होती है। रास्ते में पेड़ भी गिरे हुए हैं। जंगल में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिससे आप जंगल में रहकर भी गुजर बसारा कर सकते हैं। तो ऐसी एक फल यहाँ जंगलों में होता है जो कि सिमिलर टू स्ट्रॉबेरी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हिमांशु आपको इन फ्रूट्स के बारे में बताए। ये देख लो, इनका शेप एंड साइज सेम स्ट्रॉबेरी जैसा है। स्ट्रॉबेरी इससे हल्का सा बड़ा होता है, बट टेस्ट कलर के अकॉर्डिंग हम दोनों सिमिलर है। कभी भी हम ट्रैक कर रहे हैं तो हम पे वाटर वगैरह हम कैरी नहीं कर रहे, तो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाती है। तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी जो बॉडी है हमें दोबारा बूस्ट अप कर देगा और डिहाइड्रेट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये। तो ट्रैक वगैरह में इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आप। सो ये कुछ लगते इस तरीके से हैं जो कि ज़मीन पर ही लगता है और इस तरीके से प्लग करना पड़ता है आपको। ये देखिए तो कड़े हो रहे हैं ये, और जो यहाँ की गाँव की भाषा में कहा जाता है इसे भुइल कहते हैं। भुइल, भुइल भैल नहीं भूल। यारे गजब, हमारे राजधानी लाओ जरा, यहाँ को लाओ राजदा। वाह 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 वाह, तो खट्टा मीठा स्वाद है लेकिन हमारी बॉडी को अच्छा खासा एनर्जाइज करेगा ये। रास्ता पूरा गीला, आप कितना एक्सपेंसिव यहाँ पर शूज़ पहन लीजिए, स्लिप आप होंगे होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये सारी गाय बच्चियाँ हैं, और जो ये पशु दिख रहे हैं आपको, ये सारे गाँव वालों के पशु हैं जो कि इनको चरने के लिए कुछ हफ्तों के लिए यहाँ छोड़ जाते हैं। बरसात के टाइम में यहाँ अच्छी खासी घास होती है और सारे जानवर यहाँ घास खाते हैं, और 1-1.5-2 हफ्ते बाद अपने मालिक हैं इन पशुओं के, वो इनको वापस लेकर जाते हैं। जय हो गाय माता। और मानसून के टाइम में यहाँ पूरा हरा भरा हुआ रहता है, और गांव वालों ने निशानी के रूप में इनके गले में घंटी बांध रखी है अगर आप देखें तो। और जब कल हम लोग टेंट में सो रहे थे करीबन 12 से 1 बजे, रात भर इन घंटियों की आवाज़ आ रही थी। ये सभी लोग घंटियाँ अलग अलग रंग की और अलग अलग शेप की बांधते हैं ताकि गाँव वाले पहचान सकें कि ये हमारे बैल हैं, हमारे गाय भैंस हैं। गांव में लोग पहचान बनाने के लिए सब चीज़ें करते हैं ताकि अपने गाय भैंसों को पहचान सकें और 1-1.5-2 हफ्ते बाद इनको वापस अपने घर ले जा सकें, क्योंकि घास खाने के लिए इससे बढ़िया जंगल और इससे बढ़िया घास मेरे ख्याल से और किसी मौसम में नहीं होगी। राजू आप कुछ बता रहे हैं इसके बारे में? ये काई टाइप की होती है ना, काई की। अच्छा, जड़ है जड़। अच्छा। क्योंकि जंगल में आग जलाने की व्यवस्था बहुत कम होती है। अच्छा। तो आग जलाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। जो हमको परेशानी कल रात हुई, अगर हमारे पास सूखी पड़ी है घास होती। अच्छा। तो आग जलाने में काफी आसानी होती है। चलिए, तो इन चीजों को ढूंढना और इन चीजों को दिखाना, क्योंकि अगली बार कोई भी आए तो उनके लिए काफी परेशानियां कम हो जाएंगी उनके लिए। और ये पूरा लकड़ी में जमी हुई काई है, इसका इस्तेमाल आप आग जलाने के लिए कर सकते हैं और बहुत आसानी से जल जाती है। आप खड़ंजे भरे रास्तों में बर्फ में आप एक्सपेंसिव शूज का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपने अगर 1 लाख का जूता ही पहना है ना भाई साहब, वो भी स्लिप करेगा। तो आपके पास संभल के चलने के अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है यहाँ पर। बहुत गजब चीज़ दिखाने जा रहा हूँ मैं, जो कि मुझे भी कमलदा ने बताई, और कमलदा इन जंगल के रास्तों के और ट्रैक्स के बड़े अच्छे जानकार हैं। गाँव वालों ने जो ट्रैकर्स हैं, जो लोगों की सहूलियत के लिए इसमें पूरे पत्थर बिछा रखे हैं ग्रिप के लिए, और पूरे पत्थर इस तरीके से बिछाए हैं कि ग्रिप बने इस तरीके के रास्ते हैं। ये देखिए सारा काम गाँव वालों ने किया है, खड़ंचे पत्थर, पाथर इनको पाथर कहते हैं, जो ये बड़े और फ्लैट पत्थर होते हैं। ये देखिए पूरा रास्ता
जहाँ तक जा रहा है ये पूरा गांव वालों ने बना रखा है। अब हम लोग सबसे ऊंची पहाड़ी में यहाँ की चढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से हम लोगों को पिंडारी ग्लेशियर एकदम अपोजिट और हमारे सीध में मिलेगा, और जो बाकी के गाँव है वाचम है और जो भी अन्य गांव है हमारे सामने की जो पहाड़ियाँ थी वो अपोजिट एकदम स्ट्रेट मिलेंगी हमको। मेरे ख्याल से आप भास्कर दा को पहचान गए होंगे, आप लोगों ने कुकुड़ मैया वाला ब्लॉग तीनों पार्ट बहुत पसंद किए, और दाजू बहुत एक जंगल के ट्रैकिंग के बड़े अनुभवी व्यक्ति में से एक हैं। भास्कर दा कैसा लगा दानपुर आके? बहुत बढ़िया। जल्द से जल्द और लोगों के साथ यहाँ आना जरूर पसंद करूँगा। प्रार्थना करता हूँ कि हमारी वीडियो लोग बहुत दूर तक देखे आ रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को जाने, हमारे कल्चर को जाने, और हमारे इतने दूर दराज बसे मंदिरों में एक बार दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। मैं द पहाड़ी नोमैड सचिन रावल दिल से आपका स्वागत करता हूँ यहाँ। रास्ते बड़े कठिन हैं यार, ये देखो पूरे पत्थर में काई जमी है, ये देखिए पूरे पत्थर आपको हरे भरे दिखेंगे, इनमें पाँव टिकाना मतलब अपने जो भी ट्रैकिंग पहली बार कर रहे हैं वो चोट खा सकते हैं। बल्कि जो उत्तराखंड का टूरिज्म डिपार्टमेंट है और जो यहाँ के लोकल टूरिज्म वाले अथॉरिटी है उसने यहाँ कुछ एक साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे मार्ग पर तीव्र ढलान है, कृपया धीमी गति से चलें। पिछले दो दिन से हमारे फोन में नेटवर्क नहीं है। धाकुड़ी एक ऐसा स्पॉट है जहाँ बीच में दबा हुआ है, उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। हालांकि धाकुड़ी बहुत 2680 मीटर की ऊंचाई में है, अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करते हैं तो, क्योंकि मेरा एक्जर्शन लेवल ऐसा है, मेरी थकान अभी ऐसी है कि मैं कन्वर्ट किया, मैं कुछ कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ अभी। व्लॉगिंग करने की मुझे बहुत कम जान आ रही है, लेकिन मेरा काम है, मेरा पैशन है सब चीज़ें करना, इसलिए मैं बहुत दिल से और हर थकान को मात देते हुए सब चीज़ें करता हूँ। 60% डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर दी है, अभी ये बुग्याल और वो बुग्याल क्रॉस करके हमने टॉप में जाना है। हिमांशु ने जस्ट अभी ड्रोन फ्लाई किया है तो ड्रोन शॉट अभी दिखाएंगे आपको। बहुत गजब दिख रहा है, ऑल ओवर हमें पहाड़ियाँ बिल्कुल नहीं दिख रही। अभी हम लोग पहुंचे हैं चिल्ठा विनायक। चिल्ठा विनायक धाकुड़ से सिर्फ 1 किलोमीटर है, द टोटल डिस्टेंस लेफ्ट इज 2 किलोमीटर। हमने एक स्पॉट क्रॉस कर दिया अपना चिल्ठा विनायक, और मंदिर का द्वार दिखना शुरू हो गया है। यह है पहला द्वार। धाकुड़ी टॉप एलिवेशन 2880 मीटर, 2680 नीचे था, 2880 मीटर अभी हो गया है। खड़किया यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ का यात्रियों के लिए विश्राम घर, ये द्वार यहाँ का, और लोगों ने श्रद्धा से बांधे यहाँ कुछ एक घंटियाँ और त्रिशूल, यहाँ दिख जाएंगे आपको। दादी ठीक है नी, यहीं तक आए हो? अच्छा, ये यहाँ पर कुछ एक घंटे दिखेंगे जो लोगों ने अपनी श्रद्धा से बांधी है। और हमारे पहाड़ में यार बहुत बहुत मान्यता होती है देवी देवताओं की, तो बड़ी खुशी होती है सब चीज़ देख के। देखिए लोगों ने चुनिया बांध रखी, ये द्वार यहाँ पर पास करता एकदम तैयार बैठे हैं आगे चलने के लिए। जैसे हम लोग ऊपर को आए तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और हमको मेंशन की हुई है, चिल्ठा माई मंदिर दूरी 2 किलोमीटर। इस जगह का अनुभव वाकई में बहुत बहुत अच्छा है। अब हम लोग रास्ता लग गए हैं चिल्ठा माई मंदिर की ओर को। कमलदा कर रहे हैं अपने घर में बात, नेटवर्क आ गया है फाइनली, तो अपने घर बात करने की खुशी थोड़ा सा अलग ही होती है। कि मैं बचपन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंस जानता हूँ यार, घर से दूर रहना, घर वालों से बात करने की इंपॉर्टेंस, घर वालों की कमी मैं बहुत बेहतर समझ सकता हूँ। तो उनसे घर बात नहीं हुई है, लेकिन अब जाके नेटवर्क आने लगे हैं और सब लोग अपने अपने घर में कॉल कर रहे हैं।
अच्छा खासा गांव वालों ने खड़ंजे भरा बना रखा है यार। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भी दानपुर वासी हैं। जो रास्ते में आपको ये कुकुरमुत्ते दिख रहे हैं पीले रंग के, ये खाने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये खाने वाला आइटम नहीं है, ये है पॉइजन। कभी आप जंगल में फंसे, खुदा ना खालसा कभी फंसे नहीं, कभी आप ट्रैक में गए और आपके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो ना, लेकिन अगर हो गया खाने का आइटम्स का प्रॉब्लम, तो इन पेड़ लकड़ियों में लगे मशरूम को कभी कंज्यूम नहीं करना है। दीज आर वेरी पॉइजनस, ख्याल रखना है। मैं इसलिए हर चीज़ बड़े गहराई से दिखा रहा हूँ आपको हर चीज़। बड़ी कड़ी मेहनत था, परिश्रम के बाद हम पहुंच गए चिल्ठा माता के मंदिर। और ये कुछ भवन है मंदिर का। और फाइनली आफ्टर द हार्डेस्ट ट्रैक हम पहुंचे हैं माँ चिल्ठा मैया के। जय विश्राम गृह भी कह सकते हैं इसे। और यहाँ लोग कैंपिंग और खाना भी बना सकते हैं। और ये भास्करदा हमारे, और ये माँ चिल्ठा मैया का दरबार, ये देखिए दोस्तों ये है। और अगर आप मैं ऊंचाई दिखाऊं आपको, मैं बादलों की हाइट में हूँ। ये देखिए बादल, ये सामने, ये नीचे कोहरा, ये सामने पहाड़ियाँ, पिंडारी, कफनी, जीरो पॉइंट, सब कोहरे में ढका हुआ है। और इन कोहरे की इतनी घनी ऊंचाई है माँ चिल्ठा मैया का मंदिर। से ऊंचाई में बसा माँ चिल्ठा माँ का मंदिर, हार्डेस्ट क्लाइम के बाद जब आप इतनी अच्छी लोकेशन में, इतने अच्छे धर्म स्थल में, तीर्थ स्थल में पहुँचते हैं ना, तो जो सुकून है, जो इत्मीनान है यहाँ आके ना, वो 10 गुना बढ़ जाता है। नीचे धुंध से सब ढक चुका है, कुछ नहीं दिखेगा। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए कितनी ऊँचाई में ये जगह है, कितनी ऊँचाई में ये जगह है। जितने लोग जहाँ रहते हैं, जितना दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, माँ चिल्ठा मैया के दर्शन आप ज़रूर हमारी वीडियो से कीजिए। ये उत्तराखंड की शान है, जो पिठिया है ना हमारा, तो इसे बहुत अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। अभी कमलदा ने जो लगाया है वो थोड़ा जो पूरे माथे को मतलब चंदन से लेप के, और उसके बाद इसमें लाल टीका लगाया है। ठंडक मिलती है ये टीके, हाँ लगाते हैं तो बहुत ठंडक मिलती है इससे। अच्छा, धन्यवाद है कमलदा का यार इतनी अच्छी चीज़ हमें दिखाने के लिए। और ये जब चीज़ें हमें दिखती हैं तो मुझे आप तक पहुँचाने में बहुत खुशी होती है।